आर्थो न्यूरो केयर फिजियोथेरेपी क्लिनिक सीधी में लगातार 5-5 वर्षों से दे रहे सेवाएं। डॉक्टर वीके सोनी कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स फिजियोथेरेपिस्ट। उपचार लकवा, मुंह का लकवा, टेढ़ापन, साइटिका, रीढ़ की हड्डी का दर्द, कमर दर्द, स्लिप डिस्क, जन्मजात विकलांगता, हाथ पैर में कंपन, मांसपेशियों में कमजोरी, गाठियाबात, घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द एवं जाम होना, फ्रैक्चर एवं ऑपरेशन के बाद की जटपट, खेल के दौरान चोट, सिरदर्द एवं चिड़चिड़ापन, वजन कम करना, मधुमेह में नस कमजोर होना, मोच एवं एड़ी का दर्द, चेस्ट फिजियोथेरेपी फिटनेस ट्रेनिंग। हमारा पता है अलका क्लिनिक, स्टेटमेंट रोड, जिला अस्पताल सीधी, मध्य प्रदेश, निज निवास, नूतन कॉलोनी, संस्कार स्कूल, मौर्या किराना स्टोर के पास सीधी। संपर्क कर सकते हैं फोन नंबर में 94-25-88-60-40। अत्याधुनिक मशीनों से युक्त सीधी का एकमात्र फिजियोथेरेपी क्लिनिक। विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का समय जनन का प्रणाम करी थे। बेहद बड़ी और बेहद अहम खबर लेके आए हैं कि 1 अक्टूबर से अब देश जो है 5वें चरण में प्रवेश हो जा लागे। अब ओके खितिर सरकारन के द्वारा तैयारी जारी कर दी गई ही। हालात यह है कि अब केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा 5.0 अनलॉक के जो है नई प्रक्रिया जो है जारी की जाए वाली है। उससे पहले अपना पंचन का बताया दी कि यह अनलॉक 5 जो है कहो ना कहो बेहद महत्वपूर्ण से है कि आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप पड़ चुकी है। जोड़े के लिए कहो ना कहो सरकार लगातार जो अनलॉक 4 में कहो ना कहो आर्थिक गतिविधि शुरू करे खितिर काफी हद तक जो है बाजारन का संस्थानन का खोले के प्रयास करी सी। और अब सबसे महत्वपूर्ण या अनलॉक 5.0 में रेलवे खितिर कहा जा लग है कि रेलवे का रेल सेवा का जो छोटी दूरी के बीच में चल रही ट्रेन सेवा वो बंद पड़ी है तो उनका अब शुरू करे खितिर कहन कहो गृह मंत्रालय अब रेल मंत्रालय का आदेश जो है जारी कर लग है। जोड़े में सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूलन में जो है गतिविधि शुरू करे के बाद सामने अब लगी और यह कहा जा लग है कि प्राथमिक पाठशाला का छोड़ के बाकी हर स्कूलन का और कॉलेजन का जो है या गतिविधि शुरू करे के जो है आदेश जारी होने वाला है। सबसे बड़ी बात कि सिनेमा हॉल जो बंद हैं उन्हों का खोले के कवायद अब सरकार शुरू करे जा लगी। जोने में साफ तौर पर यह बात कही गई कि जो सिनेमा हॉल है मल्टीप्लेक्स है उनका जो है आंशिक रूप से खोले के बाद जो है सामने अब लगी। जोने में सिटिंग अरेंजमेंट सरकार के द्वारा बतावा दी जोने में पहली लाइन का छोड़ के और 1x1 के गैप छोड़ के जो है सामाजिक दूरी के पालन के सहित अब सिनेमा हॉल खोले के कहो न कहो कवायद सरकारन के द्वारा शुरू की जा सकती थी। यह माना जा लग है कि यह बेहद अहम रही कि यह अनलॉक 5.0 जो है बेहद अहम देश की तिर रही और यह देश में सबसे बड़ी बात यदि कही जाए कि ये मां रेलवे का शुरू करब सबसे बड़ी चुनौती के साथ साथ आसानी रही कहे कि आम आदमी यह रेलवे के सहारा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बस वगैरह तो अब शुरू हो चुकी है किंतु रेल जो है छोटी कम दूरी वाली जगहन पर ना चले की वजह से बेहद परेशानी के आम जनता का सामना करे के पड़ा थे। अब अपना पचक बताया दी कि सिनेमा हॉल खोले वाला पश्चिम बंगाल जो शनिवार का यह आदेश जारी कर चुका है कि 1 अक्टूबर से सिनेमा हॉल जो है खोले जा सकत है। जोने कहे कि यह पहल राज्य बन चुका है देश के जहां 1 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुले जा लाग है। अपना प्रोजेक्ट बता दी कि देश में जो है कोरोना वैश्विक महामारी के 62,30,000 कुल संक्रमित संख्या हो चुकी है और 97,497 लोगन के यह कोरोना वैश्विक महामारी से दर्दनाक मौत हो चुकी है। किंतु बेहद अच्छी खबर यह है कि यह पूरे संक्रमित संख्या में 51,90,000 लोग जो है स्वस्थ हो चुके हैं जो एक बेहद अच्छा जो है संकेत माना जा लागे। किंतु सरकार जो है कौनो यह पूरे मामला में जो है लापरवाही नहीं करे चाहती जोने कले के धीरे 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 अब देश खुल रहा है अपने रास्ता माए रहा है और सरकारन के अपील सिर्फ एक है कि नियम कायदा के पालन की जाए। जोने में प्रमुख रूप से मास्क जो है वरदान साबित हुआ है और यह मास्क का यह कहा जाता है कि 90% तक कोरोना से यह बचा सकत है। ऐसे अपनो मास्क लगाई सरकारन के नियम कायदा के पालन करी और बहुत जल्द यह अनलॉक 5.0 में देश खुले जा लग है। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।